तो मैं उसी क्षण तुम्हारा भाई को वापस भेज देता। मुझे इतना अधिकार है तुम पर, तुम मेरी बेटी ही नहीं, मेरी उत्तराधिकारिन भी हो। मैंने अपनी कला का कण कण तुम्हें दे दिया है, कुछ भी नहीं रखा। मुझे विश्वास है तुम पर। लेकिन गुरुजी, मैं देखो बेटी, मैंने भी शादी की ना। तुम्हें जब मना करता था तो इसलिए नहीं कि तुम शादी मत करो, बल्कि इसलिए कि वो लड़कियां जो कला को एक गहना समझती है, सिर्फ एक जेवर समझकर पहनती है, वो सीखने से पहले ही भटकी हुई होती है। उनके लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। जैसे जैसे मेरी अपनी बेटी कल्पना। जाओ, कल भाई के साथ जाने की तैयारी करो। ये रिश्ता बहुत अच्छा है, और माँ बाप से हट मत करना। ये क्या माँ? बेटी, बिछड़ने के समय आंसू तो आ ही जाता है। तुम आई थी तो कल्पना के बिछड़ने का गांव भर गया था। इन दो वर्षों में तुम हमारे साथ इतना घुल मिल गई कि मैं माँ, आपने भी बेटी समझकर मुझे जो प्यार दिया है, उसे मैं क्या भूल सकती हूँ? और मेरे जाने का ये मतलब थोड़ा ही है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। उमा, ट्रेन का समय हो गया है। जी नहीं माँ, हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोमवावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपकामिनीं यस्यां हिरण्यमिन्देयं कामच्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वां रथमत्यां हस्तीनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मादेवी जूषतां। रामो, ए रामो, मैंने कॉफी कही थी ना, क्या हुआ अभी तक नहीं लाए? कितनी देर कर दी? नहीं उमा, देर मैंने कर दी। बहुत दिन के बाद अपने हाथ से तुम्हारा नाश्ता बना कर लाई हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी। वहाँ क्या मिलता था खाने के लिए? मत पूछो, वहाँ तो गुरुजी और उनकी पत्नी तो बहुत खिलाते थे। माँ की तरह थोड़ा ही खिलाते है कोई। खा लो, eat what she gives you। हाँ, रघुनाथ को देखा कि नहीं? कौन रघुनाथ? अरे जिसके साथ तुम्हारी शादी की बात हो रही है ना। मैं कहाँ मिली उससे? अरे मिलने की बात नहीं है, फोटो देखी कि नहीं? नहीं, फोटो भी नहीं देखी। देखो देखो फोटो। बहुत तेज है। तुमको कैसे मालूम? मिर्ची बहुत है अब्बा। अरे किसकी बात कर रही हो? सांभर हो रे कारो। अरे क्या हो गया? आपको तो लड़के की पड़ी है, उमा को तो सांभर बहुत तेज लग रहा है। एंड नॉट द बॉय, वेरी इंटेलिजेंट। चुप रहो। उमा अच्छा लगता है ना? गुड ना है? अप्पा, फोटो से क्या पता चलेगा? फोटो में तो ये देखो, फोटो में तो रंगराजन भी अच्छा लग सकता है, लेकिन आदमी कैसा ये कैसे पता चलेगा? क्यों, मैं आदमी अच्छा नहीं लगता आप लोगों को? वो तो मिलके पता चला ना, अप्पा इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, रघुनाथ की? क्या बात है, क्या बात है। अरे तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, मैं पी लेता हूँ। देखो उमा, भविष्य और भाग्य किसी के मुंह पर लिखा नहीं होता। हमने लड़के को देखा है, उसके परिवार को भी देखा है, हमें तो लड़का अच्छा लगता है। अप्पा, मैं भी तो देखूं लड़के को। हमारे जमाने में लड़कियां ऐसे नहीं बोलती थी। बोलती तो थी, लेकिन मान तो कोई नहीं था। देखो अप्पा, आपका जमाना जॉइंट फैमिली का जमाना था,
लड़के लड़की को सारे परिवार के साथ रहना पड़ता था। अब का जमाना और है, अब तो लड़के लड़की को एक दूसरे के साथ अकेले में रहना पड़ता है, इसलिए एक दूसरे को जानना पहचानना बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल ठीक। और फिर देखो मामा, लड़का भी तो लड़की को देखना चाहेगा कि नहीं? देखिए फोटो से तो पता चलता है कि आंखें बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन अगर लड़की टांग से लंगड़ी हो तो चेहरे के क्लोजअप से तो पता नहीं चलता ना। शट अप। उसे क्या मालूम नहीं कि मैं डांसर हूँ? हाँ। मैं कॉफी लाती हूँ। देखो रंगराज, मुझे इसके मिलने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मैं साथ रहूंगा। आप? पिछली बार इसने लड़के से कुछ कह दिया था, इस बार भी कुछ कह दिया तो? डोंट वरी मामा, ऐसा कुछ नहीं हो। पता नहीं कब शादी करेगी, कैसे करेगी। अब तो इसकी एक सहेली की भी शादी हो रही है। किसकी शादी हो रही है? अरे वही जिसके साथ तुम अमेरिका गई थी। कौन, राधा? हाँ शायद वही होगी, मुझे तो इन लड़कियों के नाम भी याद नहीं रहते। किससे कर रही है शादी? मैंने पूछा था, उसने नहीं बताया, कहती थी उमा उसको जानती है। ओ, अच्छा, कौन होगा? शायद गोविंद। आज ही जाकर पता करती हूँ राधा से। क्या बात है उमा जी, आप पिताजी की बात टाल रही हैं? कोई और है क्या ख्यालों में? कोई नहीं है। सच? कौन? मैं। उमा, कब आई थी? मैं तो कल ही आई, और आज ही पता चला कि तेरी शादी है। अप्पा ने बताया। ये अचानक कौन मिल गया? कब है शादी? अगले महीने। इतनी जल्दी? किससे शादी कर रही है? गोविंद से? तो फिर कौन है जिसे मैं जानती हूँ? अप्पा कह रहे थे कि मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ क्या उसे? अरे अरे, हाँ बताओ ना। अमेरिका में था हमारे साथ? वो मोहन तो नहीं, इतना सा छोटा सा? नहीं नहीं। तो फिर बताओ ना, पहेलियां क्यों बुझाती है? तू मारेगी मुझे। ऐसा कौन है? राधा। हाँ? वो जो वीसा के फॉर्म दिए थे मैंने, वो। अरे अरे, आप? ओ उमा जी नमस्कार, माफ करना, मुझे पता नहीं था आप यहाँ है। ओ गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि आप और राधा। उमा जी आप ठीक कहती थी, मुझे हमेशा लॉक करके अंदर आना चाहिए। हाँ। क्या है, आदमी सुधर जाता है, लेकिन सुधरते सुधरते कभी कभी देर हो जाती है ना? लेकिन राधा, ये सब हुआ कैसे? हाँ? मैं बताता हूँ, हुआ यूँ कि आप जब अमेरिका से निकल पड़ी, हाँ, तब मुझे इस लड़की की बहुत खुशामद करनी पड़ी। ओ। मुझे डर था कहीं ये भी भाग गई तो मैं गया काम से। बस उन्हीं दिनों मुझे इसके कला का, और कला से ज्यादा इसके स्वभाव का अनुभव हुआ। मुझे लगा कि दिल की बहुत अच्छी है, पर मुझ पर विश्वास नहीं करती। कैसे करती? उमा के साथ जो व्यवहार किया था तुमने, वो देखने के बाद तो कोई भी तुम पे विश्वास नहीं करता। मैं जानता हूँ बेबी। मैं जानता हूँ राधा, लेकिन अब। लेकिन अब विश्वास कैसे आया? ये आया था मेरे पास कि राधा, आए थे बोलो। सॉरी, आए थे कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पे चलते हैं और दोनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं और जो भी प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा आप मेरी मेन डांसर हैं, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा, कंपनी के सारे ऑर्डर्स भी आप ही देंगे, और अगर आपको बुरा ना लगे तो बंदे को हुक्म भी आप ही करो। बेहतर है कंपनी के मालिक आप बन जाए, और इसलिए मालिक की मालिक आप ही बने, है ना? शादी कब है? 18 को, अगले महीने। और हनीमून? ओ हनीमून, हनीमून 20 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में, विद बिजनेस, प्लेजर विद बिजनेस। ओ चलो, अच्छा है, शादी के बाद भी डांस तो करेंगे। अरे ऐसे कैसे जा रही है, खाना खा के जाना पड़ेगा, है ना? नहीं नहीं, मुझे घर जाना है। घर में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो,
बैठ जाओ, खाना खा के जाना। ओके। Keep yourself engaged. पेपर पढ़ो, पेपर। विक्रम, कम विथ मी। यस सर। प्लीज कम विथ मी। जी। कम। चलिए। जी। प्लीज सिट हियर एंड स्मोक। मैं तो यूं ही पी रहा था सर, टाइम पास के लिए। डोंट माइंड, स्मोक हियर। उधर भगवान साहब रखा है ना, प्लीज। इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। नो मैन, बैठो प्लीज। यस सर। अरे आप, अच्छा हुआ कि आप आ गईं। इतने लंबे इंतजार की घड़ियां तो कभी नहीं देखी। लेकिन आप यहां क्यों बैठे हैं, अंदर आइए ना। अप्पा प्लीज कम, आइए प्लीज। अप्पा। हेलो मां। अप्पा आप मिले मिस्टर विक्रम से? मेरे पिताजी हैं। जी हाँ, हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ, मैं भी मिला हूँ, लेकिन इतना ज्यादा परिचय नहीं हुआ। यही तो हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी अमेरिका में। मैं समझ गया। एक बार मुझसे तुम्हारा तंजावर का एड्रेस लिया था फोन पे। जी हाँ, हम पहले फोन पर भी बात कर चुके हैं। मगर आप इतने लंबे नहीं लगते फोन पे। ओके, तुम लोग इधर बैठ के बातचीत करो, मैं राम से कह के काफी भेजता हूँ। प्लीज रामू। जी रामू, दो काफी हाल में लेके जाओ। दिल्ली से कब आया? कल ही आया हूँ और कल वापस जा रहा हूँ। सोचा इस बार आपको घर पे मिल लूं, इस तरह आपके माता पिता से भी मुलाकात हो जाएगी। और असल में मैं आपको दिल्ली इनवाइट करने आया हूँ, इसलिए तो आपके घर चला आया, ताकि आपके माँ बाप से इजाजत ले सकूं। जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपा से पूछ लूंगी। मैं पूछ लूं? नहीं नहीं, मैं पूछ के बताऊंगी। पोस्टमैन। उमा, उमा, तुम्हारी चिट्ठी। किसकी है? पता नहीं, एड्रेस वगैरह सब हिंदी में लिखा है, लगता है तुम्हारे गुरुजी की है, तंजावुर से। किसकी है? गुरुजी की। क्या लिखा है? वापस तंजावुर बुलाया है क्या? अपा पढ़ने तो दोनों। पढ़ो। लगता है तुम्हारी शक्ल से कोई अच्छी खबर है उमा। हाँ माँ, गुरुजी को इंडियन नाट्य अकेडमी की तरफ से सम्मान दिया जा रहा है, वो दिल्ली जा रहे हैं, आपको भी बुलाया है। मुझे क्यों, आप मुझे भी भरतनाट्यम सिखाएंगे क्या? अप्पा मुझे बुलाया है, साथ में आपको भी और मम्मी को भी इनवाइट किया है, और मुझे उस फंक्शन में परफॉर्मेंस देनी होगी। गुरुजी के साथ ये मेरा पहला परफॉर्मेंस है। हाउ हैप्पी आई एम। आप भी चलेंगे ना अप्पा? तुम अपनी मम्मी को लेके जाओ, मैं ज्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता। अपा 1.5 घंटे की तो फ्लाइट है, और ट्रेन में थोड़ा ही जाना है। पैसा तुम्हारे गुरुजी देंगे क्या? नहीं अप्पा, ऑर्गेनाइजर्स देंगे, गुरुजी ने लिखा है। अच्छा अच्छा, सोचेंगे। इसमें सोचना क्या है, बड़ी खुशी का मौका है, हमें भी जाना चाहिए। पाकला।
आपने कहा था दिल्ली आने के लिए, और किस्मत ने कितनी जल्दी एक मौका दे दिया। मैं अगले महीने 14 तारीख को परफॉर्मेंस के लिए दिल्ली आ रही हूँ, और उम्मीद है अप्पा और मम्मी भी साथ रहेंगे। आप उन्हें इनवाइट करना चाहते थे ना, आप दिल्ली में ही इनवाइट कर लीजिएगा। मैं जानती हूँ आप बहुत मसरूफ रहते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन आप प्रोग्राम कुछ इस तरह ही बनाइएगा कि 14 तारीख को आप दिल्ली में ही रहें, ताकि मैं आपकी माँ जी से मिल सकूं। नॉक नॉक। ओ तुम कहाँ खो गई थी आप? सॉरी, ख्यालों से जगा दिया ना? नहीं नहीं, यूं ही। क्या छुपा रहे हो? ओ मिठाई, कोई खुशखबरी लाए हो? मिठाई? अरे मिठाई से भी मीठा है ये। एक किताब है, एक ऐसी किताब जिसमें देखो तो तुम्हें अपनी जिंदगी नजर आएगी। हाँ? ये किताब एक आईना है, इसमें झांको तो तुम्हें अपनी तस्वीर नजर आएगी, इसमें मैं झांकू तो मुझे भी तुम्हारी तस्वीर नजर आएगी। साफ साफ बताना क्या है। ये लो, ये किताब है नूपुर। नूपुर? जी हाँ, नूपुर। Dances and Temples of India by Uma Iyengar। क्या बात कर रहे हो? जी हाँ। मेरा नाम क्यों दिया? सच पूछो तो तुम्ही ने तो ये सब लिखा है। मैंने कब लिखा? All right, let me make a confession। तुम जो चिट्ठियां साउथ से अप्पा को लिखा करती थी, मैंने वो चिट्ठियां अप्पा से मांगी। तस्वीरें तो मेरे पास बहुत सारी थी, फिर तुमने भी कुछ तस्वीरें भेजी थी, मैंने वो तस्वीरें अप्पा से ले ली, और हाँ किताब के लिए इजाजत भी। सोचा था तुम्हें शादी में एक सरप्राइज दे दूँ, लेकिन शादी की पॉसिबिलिटीज कहीं नजर ही नहीं आ रही। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये किताब इन मूर्तियों की तरह पुरानी ना हो जाए, तुम्हें दे ही दूँ। अच्छा। How nice। बड़ी खूबसूरत कलेक्शन है तुम्हारी। अरे बाप रे, ये दुर्गा की तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली? ये मेरा फेवरेट है। ये तस्वीर मैंने कलकत्ता में दुर्गोत्सव के अवसर पर खींची थी। अरे मैं भी तो था तुम्हारे साथ, याद नहीं? जब तुम बहुत दिनों के बाद कर्नाटक संगीत से हटकर हिंदुस्तानी ढंग में दुर्गा डांस पेश किया था। हाँ, याद है? याद है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, कर में खप्पर खंग विराज, ताको देख काल डर भाज, सोहे अस्त्र और त्रिशूल, जाते उठत शत्रु ये शूल, नाभिकोटि में तुम्ही विराज, तिहु लोक में डंका बाज, शुंभ निशुंभ दानव तुम मार, रक्त बीज संखन संघार, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय अगभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिको धार, सेन सहित तुमति संघारा। विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते उमा अयंगार लगता है आज का दिन अपने ख्यालों को समर्पित किया। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। Once in a lifetime, do we get an opportunity to honor an artist of great eminence. It is our good fortune that Guru Sadasivam Pillai is being felicitated today by the Indian Natya Academy in recognition of his immense contribution to the divine art of Bharatanatyam. Guru Sadasivam Pillai comes from a lineage of eminent Natavanars whose contribution to the style and structure of Bharatanatyam is well known. It goes to the credit of Guru Sadasivam Pillai that he had stood steadfast in upholding the pristine beauty of Bharatanatyam in the face of modern-day onslaught for commercialization. We come to the most momentous part of this afternoon's felicitation ceremony. I would now request the chief guest to offer his felicitations to the Guruji by offering the traditional silk shawl.
would now request the Guruji to speak a few words. मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आप सबका, जो ये सम्मान मुझे दिया है। पता नहीं मैं इसके योग्य हूँ या नहीं, लेकिन ये नृत्य कला निश्चय ही इस सम्मान के योग्य है। नृत्य नाट्य मेरा धर्म है, मैंने इसे धर्म की तरह ही संभाला है, पूजा है। मेरी पूजा की एक साक्षात मूर्ति मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ओ मेरी संपूर्णता है, उत्तराधिकारण भी है। आज उस कलाकार को आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ, उमा अयंगार। गजाननम् भूतगणाधिसेवितम् कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतम् शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। Yeah.
तुम संपूर्ण हो गई हो। आज मैंने अपनी पूरी शिक्षा तुम्हारे अंग अंग में लिखी हुई देखी है और तुम्हारी आत्मा से भरसती हुई इस दिव्य कला को अनुभव भी किया है। तुम धन्य हो जी। ये सब आपके आशीर्वाद से। देखो तो कौन आया है? A friend, Mr. Hariharan. Uma, you have really done it. You have done it. तुम जो चाहती थी वो तुमने कर दिखाया। इस तरह का भाव और अनुभव भरा अभिनय आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इस लॉ को अब गिरने मत देना, ये कभी ना बुझे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है तुम पर। इस दीपक को अब तुम्हें जलाए रखना है। And I'm proud of you, Uma. Oh, thank you very much. Wish you all the success. Madam, a photograph. Oh, oh. I don't know why Uma can't talk to me. And who is this Vikram? And why he invited us to his house? I couldn't. I can't understand. Vanakku theriyuma? Vanakku enna dhaan theriyum? I don't know. I'm all confused. Morning, everybody. Mamaji, last night's show was simply tremendous. क्या बात है मामा जी, आप अपने आप से बोल रहे हैं क्या? हाँ, मामा जी, आप तो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। मामा जी, आपको तो खुश होना चाहिए उमा के ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के बाद। ये देखिए कितने अच्छे फोटोग्राफ्स आए हैं कल के शो के, है कि नहीं? ठीक है, but what? कुछ नहीं रंगराज, विक्रम सिन्हा ने घर पे बुला लिया और ये बुरा मान गए। तुम जरा हिंदी बात मत करो मेरे साथ। तुमको जरूर मालूम है वो आदमी क्यों हम लोगों को घर में इन्वाइट किया। अपा, क्या हुआ अपा? आप इतना नाराज क्यों हैं? आज तो आपको खुश होना चाहिए। उमा, खुश तो हूँ मैं। बेटी के सक्सेस पर कौन सा पिता खुश नहीं होगा? लेकिन मुझे तुम औरत लोगों का ये सस्पेंस स्टोरी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। कौन सी सस्पेंस स्टोरी अपा? हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, वो मिस्टर विक्रम सिन्हा हम लोगों को क्यों इन्वाइट किया घर में? खाने के लिए। सिर्फ खाने के लिए? और कोई बात नहीं है? मुझे लगता है वो तुमसे शादी करना चाहता है। क्या उसने तुमसे कोई बात की? सच तो ये है अपा कि उन्होंने खुल के ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि वो आप ही से ये बात कहना चाहते हैं और शायद खुद नहीं अपनी माँ से कहलवाना चाहते हैं। देखा देखा, मैं ठीक समझा। ये तो बड़ी खानदानी बात है। जी हाँ, खानदानी भी और शरीफाना भी। वो बात मैं मानता हूँ, लेकिन उमा की मर्जी भी मालूम होनी चाहिए कि नहीं? We should know our mind. शादी के बारे में अप्पा, अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि विक्रम साहब बहुत अच्छे और शरीफ आदमी हैं। But he is not a South Indian. ये क्या नॉर्थ साउथ लगा रखा है मामा जी? मामा जी भी ब्रॉड माइंडेड, आखिरकार हम सब लोग इंडियंस ही हैं। एक बात बताइए मामा जी,
आप लोगों का उनके घर जाने में क्या हर्ज है? Keep an open mind, मामा जी। जो भी होगा अच्छा ही होगा। अय्यंगर साहब। कौन है आप? सिन्हा साहब ने गाड़ी भेजी है। ठीक है, आप नीचे ठहरिए, हम आते हैं। जी अच्छा। कौन था? गाड़ी भेज दी है उनके घर जाने के लिए। रंगराज तुम भी चलो ना साथ में। नहीं उमा, मुझे फौरन बंबई पहुंचना है। तुम्हारे किताब नूपुर के रीप्रिंट्स के लिए ये फोटोग्राफ्स भी तो देने हैं। एनीवे, आई विश यू ऑल द बेस्ट। ओह थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन बॉम्बे। ओके अप्पा, गेट रेडी। हेलो मिस्टर विक्रम। नमस्ते। नमस्कार। वेलकम सर। नमस्ते। प्लीज माँ, आप हैं मिस्टर एंड मिसेस आयंगर। नमस्ते। नमस्ते। और आप हैं मेरी माताजी। और उमा का परिचय देने की तो जरूरत ही नहीं। जी नमस्ते। नमस्ते। इनके बारे में आप मुझसे बहुत कुछ सुन चुकी हैं और अब आप इनकी कला अपनी आंखों से देख भी चुकी हैं। आइए आइए बैठिए। थैंक यू। और उमा आओ यहाँ बैठो मेरे पास। जी जाके देखना वो नाश्ता तैयार कर रहे हैं ना। जी अच्छा। कल का शो बहुत अच्छा था। कितना अच्छा डांस किया है तुमने। बहुत बड़ी कलाकार हो तुम। आयंगर साहब आपकी बेटी बहुत गुणवती है। थोड़ी सी पागल है। हा? अपनी कला के लिए पागल है जी। ये तो बहुत बड़ा गुण है, बहुत कम कलाकारों में मिलता है। अगर इससे आधा भी ये गुण मेरे इस बेटे में होता। देखो तो, कलाकारों की कदर करना भी बहुत बड़ा गुण है, सब में नहीं मिलता। क्यों उमा जी? जी हाँ वो तो है। मैं कलाकार हूँ कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आप कलाकारों के कदरदान जरूर हैं। शुक्रिया। सच तो ये है कि माँ के बाद इतना उत्साह देने वाली यही हैं, और एक वो फेमस क्रिटिक हरिहरन जी। तुमने तो मेरी जिंदगी सफल कर दी। विक्रम को डांस में इतनी दिलचस्पी होगी ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वैसे इसके डैडी को, बड़े सिन्हा साहब को म्यूजिक और डांस का बहुत शौक था। जी हमारी पहली मुलाकात भी मेरी एक परफॉर्मेंस के बाद हुई थी। आप डांस करती थी? ओडिसी। अच्छा। लेकिन फिर एक कार एक्सीडेंट में ये बाई टांग। खैर पुरानी बातें रहने दो। ये बताओ अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं डांस जारी रखना चाहती हूँ और सीखूं। और सिखा भी सकूं? जी हाँ अगर इस काबिल हो जाऊं तो ऐसा करो तुम मेरा स्कूल ले लो, सब कुछ तैयार है। स्कूल भी ले लो और एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग अब्रप्ट मिस्टर आयंगर, आपने उमा की शादी के बारे में क्या सोचा है? वो तो उमा की मर्जी पर है। अब तो वही कुछ सोचकर बताएगी, हम तो बहुत बार सोच चुके। It is left to her. मेरे ख्याल में ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से ये बात कहने में झिझक रहे हैं। शायद कुछ फैसला नहीं कर पा रहे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो अपनी बेटी मुझे दे दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बहू का भी ख्याल रखूं और एक कलाकार का भी। विक्रम सर सच सच कहूं मैं शादी के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाई क्योंकि शादी से डर लगता है। शादी की अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, मैं वो मांगें पूरी कर पाऊंगी या नहीं ये अभी मैं नहीं कह सकती। लेकिन मांगें तो हर रिश्ते में होती हैं, गुरु शिष्य के रिश्ते में होती हैं, माँ बेटे के रिश्ते में होती हैं, तो दोस्तों में भी होती है ना। हाँ लेकिन मेरी जिंदगी कला है और आप। मैं जानता हूं कि इस वक्त आपकी जिंदगी में कला सबसे बड़ी चीज है, लेकिन वो दिन जरूर आएगा
जब आप एक साथी चाहेंगे, शादी करना चाहेंगे, एक घर बसाना चाहेंगे। कई कलाकार अपनी कला में मग्न होकर ये बात भूल जाते हैं, ऐसी भूल मत करना उमा। परसों से मैं अपना जीवन साथी खोज रहा हूं। फैसला करते करते मैंने भी बहुत वक्त लिया है। अगर तुम्हें सोचने के लिए और वक्त चाहिए तो मुझे भी जल्दी नहीं। तुम चलती रहो अपनी डगर पर, अपने रास्ते पर, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं उमा। शादी बंदिश नहीं, बंधन है। ऐसे ही जैसे तुम्हारे पांव के नुपुर।